स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिविक्स चैप्टर टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड अप टू चैप्टर वन, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों है। उस प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कॉम्पिटिशन एंड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो मुझे लगता है कि आपने जो चैप्टर वन में जो ये सब चीज़ें पढ़ी थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, चैप्टर टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। आज मेरे जो टॉपिक्स हैं जिस पर मैं एक्सप्लेन करूँगी, फर्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू, सेकेंड टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, एंड मेरा थर्ड टॉपिक है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ओवरव्यू। पहले मैं आप कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के ओवरव्यू के बारे में बताऊँगी। तो ओवरव्यू क्या था, वी नोटेड इन दिस प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूल्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, देयर आर सर्टेन बेसिस रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। As the supreme law of the country, the constitution demerits the rights of citizens, the powers of the government and how the government should functions. इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि we noted in the previous chapter that in a democracy the rules are not free to do what they like. कुछ बेसिस रूल्स होते हैं जिन्हें सिटीजन्स और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ बेसिस रूल्स होते हैं जिसको क्या होता है, सिटीजन्स और द पीपल्स और जो गवर्नमेंट्स होती है उनको वो रूल्स को मानना पड़ता है। इन सभी रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। ये क्या होता है, हमारे देश का एक सुप्रीम लॉ होता है। जैसे हमारा क्या, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे कंट्री का एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सिटीजन्स और गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है। तो सिटीजन्स के राइट को डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो सिटीजन्स होते हैं उनके राइट्स को डिटरमाइन करता है, मतलब बताता है कि आपके राइट्स सही हैं कि नहीं हैं, और गवर्नमेंट की पावर और उसकी जो वर्क है उसको निश्चित करता है। तो व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन बी मेड चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कैंडिडेट्स। डेमोक्रेटिक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का रिसेंट एग्जाम्पल क्या है, अगर हम इसका रिसेंट एग्जाम्पल देखें तो साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है वो रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब मैं आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताऊँगी। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, नेल्सन मंडेला था। तो एक क्वेश्चन हमारा यही हो सकता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है, थे नेल्सन मंडेला। अब मैं डेमोक्रेटिक, नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग टर्न फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ही एंड सेवन अदर लीडर्स वर सस्पेंडेड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रीजमेंट इन 1964
फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थिंग डिजाइन इन द कंट्री ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट डेडेड प्रिजन रॉबेन आइलैंड. नेल्सन मंडेला एंड सेवन अदर्स लीडर वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइन इन हिज कंट्री. नेल्सन मंडेला ने अपने 28 ईयर्स साउथ अफ्रीका की जो प्रिजन है मतलब वहाँ पर जो जेल है उसमें रॉबेन आइलैंड पे थी वहाँ पर उन्होंने अपना बिताया. मतलब 28 ईयर्स वहाँ की जो प्रिजन थी वहाँ जेल थी उसमें उन्होंने इसको बताया मतलब इस समय को स्पेंड किया. अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपार्थीड के अगेंस्ट में लड़ाई किया. क्या किया? अपार्थीड के अगेंस्ट में लड़ाई किया. तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपार्थीड क्या होते हैं. अपार्थीड मीन्स होता है कि अपार्थीड जो था एक साउथ अफ्रीका का सोशल सिस्टम था. क्या था? साउथ अफ्रीका का सोशल सिस्टम था जिसमें ब्लैक और वाइट के लिए सोशल सिस्टम मतलब बनाए गए थे. जो ब्लैक पीपल्स थे उनके लिए अलग सिस्टम था और वाइट पीपल्स के लिए अलग सिस्टम थे. जो ब्लैक पीपल्स थे उनके लिए मार्केट क्लब चर्च बसेस वगैरह अलग थे और वाइट पीपल्स मतलब के लिए जो क्लब थे मार्केट थे चर्च थे ट्रेन थे वो सब क्या था? अलग था. ब्लैक पीपल्स मतलब काले लोगों के लिए और वाइट पीपल्स मतलब गोरे लोगों के लिए. तो ये काले और गोरों की जो नीति थी उसके लिए नेल्सन मंडेला आगे आए थे और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया. और क्या होता था साउथ अफ्रीका में कि जो ब्लैक पीपल्स के लिए लो कास्टिंग थी. ब्लैक पीपल्स जो थे काले लोग जो थे वो जो लो कास्ट थी मतलब कम रेट की जो चीज़ों होंगी वही खरीदेंगे वो हाई रेट की चीज़ों को नहीं परचेज कर सकते. जबकि वाइट पीपल्स के लिए हाई क्लास क्वालिटी की चीज़ें होती थी. तो ये वहाँ का डिस्क्रिमिनेशन था. साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन था उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला आगे आए और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया. तो दिस वॉज मैंने आपको बताई थी मैं अपार्थीड के बारे में मैंने बताया कि अपार्थीड क्या होता है. तो अपार्थीड का मतलब होता है रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि अपार्थीड क्या होता है. द अपार्थीड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली दे हैड अ परमिट. ट्रेन्स बसेस टैक्सीज होटल्स हॉस्पिटल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस लाइब्रेरीज सिनेमास हॉल्स थिएटर बीचेस स्विमिंग पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब चीज़ें वाइट के लिए अलग होती थी और ब्लैक के लिए अलग होती थी. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेगेशन. और इसको क्या बोलते थे हम लोग? सेग्रेगेशन बोलते थे. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द व्हाइटिस वर्शिप. ब्लैक लोग वाइट लोगों की चर्च में जा सकते थे वहाँ पर उनके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं होता था. एंड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. और उनके साथ अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था. तो अपार्थाइड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं जो साउथ अफ्रीका में होता था. वहाँ पर वाइट यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका में इम्पोज किया था 17th and 18th century में. ट्रेडिंग कंपनीज मतलब व्यापार करने वाली कंपनीज जो कि यूरोप की थी उन्होंने ट्रंक्स और फोर्सेस से साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई किया. किसे ऑक्यूपाई किया? ट्रंक्स और फोर्सेस. वहाँ बहुत सारे वाइट साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए. क्या हुआ? वो जाके सेटल हो गए थे और लोकल रूलर्स बने. वो वहाँ के क्या
कॉन्टैक्ट के बेसिस पर लेबल किया जाता था। अपार्टमेंट में क्या होता था, मतलब स्किन देख के बता देते थे कि काले लोगों के लिए अलग होगा और गोरे लोगों के लिए हर चीज़ अलग होगी। इसलिए और कुछ नहीं था, बस काले का और गोरे का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो मेन था साउथ अफ्रीका का। उनकी पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन का 3/4 थी। इसके अलावा वहाँ कुछ लोग मिक्स्ड रूल्स रेसिस के थे जिन्हें कलर्ड कहा जाता था। कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट किए करके वहाँ सेटल हुए, तो मतलब इंडिया से आए थे और वहाँ पर सेटल हो गए। वहाँ पर वाइट रूलर्स नॉन वाइटिस को इंफीरियर समझा जाता था। जितने भी नॉन वाइटिस थे उनको क्या समझा जाता था, इंफीरियर, लो लेवल का समझा जाता था। नॉन वाइटिस को वोटिंग का अधिकार नहीं होता था। जो वहाँ के नॉन वाइटिस थे मतलब ब्लैक लोग थे, उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होता था। अपार्थाइड सिस्टम ब्लैक को दबाने वाला था। अपार्थाइड सिस्टम क्या करता था, जितने भी ब्लैक लोग थे उसको पुश करने के लिए आता, उन्होंने वाइट लोगों के एरियाज में रहने की, जितने भी जहाँ पर वाइट पीपल्स रहते थे उनके एरियाज में रहने को ब्लैक पीपल्स को रहने की इजाज़त नहीं होती थी। वहाँ ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरियंस, सिनेमा हॉल्स, बीचेज, आज सभी चीज़ें वाइट्स के लिए अलग थी। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसको मैं क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। ब्लैक की, ब्लैक को एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, ब्लैक कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकते थे और इस बुरे ट्रीटमेंट का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। 1950 से ब्लैक्स कॉन्टर्ड और इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अपोज में फाइट किया। वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंडर में इस सेग्रीगेशन पॉलिसीज के अपोज में, इसमें बहुत सारे वर्कर्स यूनियंस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शामिल थे। को कई वाइटिस जो सेंसिटिव थे वे भी इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़े। बहुत सारे कंट्रीज में अपार्थाइड सिस्टम को अनजस्ट और रीजस्ट रीसिस्ट कहा, लेकिन वहाँ की वाइट गवर्नमेंट ने हजारों मतलब ब्लैक्स और कलर लोगों को मारकर वहाँ की रूल करना चाहा। नेक्स्ट टॉपिक है टूवर्ड्स आर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक मैंने आपको टू टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि ये टू टॉपिक्स आपको समझ में आ गए। पहला टॉपिक मैंने जो समझाया था आपको, मैंने समझाया था ओवरव्यू के बारे में कि इसका ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू में क्या चीज़ें थी, ओवरव्यू में आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर के बारे में बताया था। एंड सेकेंड टॉपिक था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, टूवर्ड्स आर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। टूवर्ड्स आर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, टूवर्ड्स आर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में बताया गया है कि एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स पीपल अंडर देयर रूल थ्रू डिपोजिशन द वाइट डिजाइन चेंज्ड इट पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेशन लॉ वर रिप्लेस्ड। जैसे जैसे अपार्थाइड के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल बढ़ा तो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट को लगा कि वे ब्लैक को अपनी रिप्रेजेंटेशन रूल के अंडर नहीं रख सकते। वाइट डिजाइन ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, उन्होंने क्या कर दी, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दी और पॉलिटिकल जो पार्टीज थी और मीडिया जो थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस जो था उसको पूरी तरह से एंड कर दिया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रीजमेंट नेल्सन मंडेला को जेल में फ्री किया गया। फाइनली 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका
अफ्रीका में एक नया नेशनल फ्लैग जो था उसको मतलब फहराया गया या लाया गया, जो वहाँ पर न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग थी। अपार्टाइड सिस्टम वहाँ पर एंड हुई और मल्टी रेसिकल गवर्नमेंट बन गई। जैसा कि साउथ अफ्रीका में मैंने बताया था कि पूरी तरह से अपार्टाइड सिस्टम लागू हुआ था, मगर नेल्सन मंडेला ने इस अपार्टाइड सिस्टम को समाप्त किया, मतलब एंड कर दिया, और वहाँ पर मल्टी रेशनल गवर्नमेंट बन गई। न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के बनने के बाद इस तरह से वहाँ पर ओल्ड डेमोक्रेटिक जो साउथ अफ्रीका था उसको चेंज करके क्या हो गया, न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनने के बाद ब्लैक लीडर्स ने अपील किया कि उनके जितने भी फॉलो ब्लैक्स शुड फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एस्ट्रोगेसी दे हैड कमिटेड इन द पास्ट। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी।